अरे भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। ऐसे में कल 8 अक्टूबर 2023 का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया है। और ये ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी था क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पूरे 72 साल के बाद अपने झंडे में ये बदलाव किया है। जी हाँ, हमारी वायुसेना को उसका नया ध्वज मिल गया है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने यूपी के प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड के दौरान वायुसेना के नए ध्वज का ये अनावरण किया है और नौसेना की तरह औपनिवेशिक अतीत का त्याग करते हुए अपने ध्वज में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, नए ध्वज में ऊपरी दाएं कोने में वायुसेना ने अपने प्रतीक चिन्ह को शामिल किया है और इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस ध्वज में अशोक स्तंभ के नीचे एक हिमालयी बाज भी दिखाया गया है, जिसके पंख फैले हुए हैं, यानी वह पूरी परवाज में है। हिमालयी बाज को हल्के नीले रंग से घेरा हुआ है और इसी के ठीक नीचे भारतीय वायुसेना और इसका आदर्श वाक्य नभः शपथम दीप्तम देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में अंकित है। बता दें, वायुसेना का ये आदर्श वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गौरव के साथ आकाश को छुओ। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इस 92वें वायुसेना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि आधुनिक युद्धों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए वायुसेना को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। लड़ाई में हावी होने के लिए अंतरिक्ष, साइबर और जमीनी क्षमताओं के तालमेल को वायुसेना को बढ़ाना होगा, ताकि उसकी कुशलता भी बढ़े। जहां इस मौके पर यहां नौसेना के CDS जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं इसके बाद वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पिछले 9 दशकों में भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ी है और ये दुनिया के बेहतरीन वायु सेनाओं में से एक बन गई। हालांकि उन्होंने सवालिया लहजे में ये भी पूछा कि क्या इतना काफी है? अगर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, तो 2032 में जब हम यानी वायुसेना 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब तक भारतीय वायुसेना को सर्वोत्तम नहीं सर्वोत्तम में से एक होना चाहिए। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मल्टी डोमेन ऑपरेशन से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक वायुसेना को ये पहचानने की जरूरत है, आधुनिक युद्ध पारंपरिक सीमाओं से परे है। वायुसेना को युद्ध क्षेत्र पर हावी होने के लिए वायु, अंतरिक्ष, साइबर और जमीनी क्षमताओं को सहजता से अपनाना और जरूरत के मुताबिक ढालना होगा। इसके अलावा आपको बता दें, भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर आयोजित परेड का जिम्मा इस बार पहली बार महिला अधिकारी को मिला और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित इस परेड की कमान ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने संभाली। कैप्टन शैलजा को मार्च में वायुसेना की कम्बैट यूनिट की कमान सौंपी गई थी। उनको वायुसेना में 2003 में कमीशन्ड अधिकारी बनाया गया है, जिनको 2800 घंटे की उड़ान का अनुभव है। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने जमकर कर्तव्य दिखलाए। इस एयर शो में स्वदेशी C-295 विमान, राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज 220, चिनूक, जगुआर और अपाचे भी इसका हिस्सा रहे, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ी हुई लगी। वहीं इससे पहले भारतीय नौसेना ने भी 2 सितंबर 2022 को नया झंडा अपनाया था। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।